हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के छोड़ो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर गूगल क्रोम में जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व करें और जीमेल आईडी को कैसे लॉगिन करें। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी आसान वीडियो होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए प्ले स्टोर को ओपन करना है। सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है क्रोम। क्रोम सर्च करने के बाद चेक करना है कि क्रोम ब्राउज़र अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो सबसे पहले यहाँ से आप इसे अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आप इसे ओपन करके चेक करना कि अब लॉगिन हो रही है कि नहीं। अगर फिर भी लॉगिन नहीं होगी तो फिर क्या करना है, सिंपली आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर देखिए, सेटिंग में जाने के बाद आना है नीचे, एक सेटिंग खोजना है जिसका नाम रहेगा ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या एप्लीकेशन, जहां पर सभी ऐप्स रहते हैं। तो इस सेटिंग को खोजना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहां पर क्लिक करने के बाद सभी एप्लीकेशन यहां पर शो हो जाएंगे। अब आपको आना है नीचे, गूगल क्रोम पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्रोम देव पर। अब जो भी क्रोम यूज करते हैं उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ से क्लियर कैच और क्लियर डेटा पर क्लिक करके फिर यहाँ पर क्लियर डेटा, फिर आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके कर देंगे यहाँ पर क्लियर डेटा इसका हो जाएगा। अब आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, तो चलिए गूगल क्रोम ओपन करते हैं। फिर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जीमेल आईडी शो होगी। अगर आप दूसरी जीमेल आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरी वाली को चूज कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ एस आई एम इन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब अगर पता करना है कौन सी आईडी लॉगिन है तो आप इस पर क्लिक करना, इस प्रोफाइल फ़ोटो पर, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि कौन सी आईडी लॉगिन है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।